नमस्कार दोस्तों, आप सबका ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मैथ का मॉडल सेट का जो है सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। मैं इसमें दोस्तों एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको मैं आज सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल ही आसान तरीके में बताऊँगा, आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये जो है मॉडल सेट दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बिहार बोर्ड मतलब कि दोस्तों BSEB के मेरे चैनल पे दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड के भी स्टूडेंट है और फिर बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट है, बी बोस के भी स्टूडेंट है और BSEB के स्टूडेंट है दोस्तों। ये जो मॉडल सेट है दोनों बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, तो ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड का जो है मॉडल सेट जो है सोल्यूशन करके बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मॉडल सेट आपके एग्जाम के लिए, जो भी बिहार बोर्ड के 2021 के स्टूडेंट है, तो उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है, क्योंकि इस मॉडल सेट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक एक करके इसी तरह के सारे सब्जेक्ट का जो है मैं आप लोगों को 10th 12th का सारे सब्जेक्ट का जो है मॉडल सेट का सॉल्यूशन करवाऊंगा और इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये सेट दो है, सेट पहला मैं पहले ही करवा चुका हूँ और ये हमारा 100 नंबर का है और ये क्लास 10th का मैथ है, ठीक है दोस्तों। और हमारा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा टाइम दिया हो 3 आवर 15 मिनट और हमारा शो मार्क्स का है यहाँ पे सही उत्तर के लिए। अब चलिए दोस्तों सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, तो ये हमारा गलत क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए अब नीचे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों से प्राइम, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों दो मीडियम में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट के लिए ये आसानी से जो भी अपने मीडियम से अपना चुन लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 10, 7, 15, 9, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। हमारा अभाज्य संख्या जो है दोस्तों 7 है, यहाँ पे 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 9 भी नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 का जो हमारा हो जाएगा बी 7 नंबर। चलिए तीसरा नंबर आते हैं, तीसरा नंबर देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 का शून्य, तो जब भी हमसे शून्य पूछा जाएगा तो दोस्तों क्या करेंगे, जितना इक्वेशन है उसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे। चलिए मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ बगल में, देखिए तो x² - 5x और ये +6 है, तो इसको क्या कर लेंगे 0 के इक्वल कर लेंगे और यहाँ पे इसका जो है गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालिए इसका गुणनखंड, तो x² यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, फिर -2x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और ये +6 हो गया। आप लोगों को गुणनखंड निकालना आना चाहिए, कैसे करते हैं तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो इनके दोनों के साइड वाले गुणनफल के योगफल के बराबर हो जाएगा, सॉरी गुणनफल के बराबर है, योगफल जोड़े घटाएंगे तो बीच वाला देख लीजिए आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x - 3 और फिर यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन ले लेते हैं x - 3 और इक्वल टू हमारा 0, ठीक है। चलिए मैं अब बताता हूँ दूसरा स्टेप यहाँ पे, तो हमारा क्या हो गया x - 3 हो गया और एक x - 2 हो गया और इज इक्वल टू 0। अब चलिए हमारा x का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया दोस्तों, x का जो वैल्यू आ गया 3 और 2 आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए 3 और 2 कहाँ पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा डी नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है, आप लोग समझ गए। 3 का जो हमारा है डी नंबर ऑप्शन, 3 और 2 जो है हमारा क्या हो गया, 3 और 2 जो हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है, तो इसी तरह आप बना लेंगे। अब आइए दोस्तों चौथा नंबर, देखिए दोस्तों कुछ कुछ जो है मॉडल पेपर में आप लोगों को मिसप्रिंट होता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसको आप छोड़ देंगे। चलिए अगला आ जाइए, मिसप्रिंट है देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे देखते हैं नीचे में बट्टे में कुछ है ही नहीं, फिर शून्य भी नहीं है इसका, ठीक है, तो ये मिसप्रिंट है। अब नीचे आ जाइए दोस्तों, ये हमारा देख सकते हैं त्रिभुज ABC में यहाँ पे देख सकते हैं ABC हमारा एक त्रिभुज हो गया ABC, इसमें क्या है दोस्तों, अब चलिए ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ABC। आप लोगों ने दोस्तों पैथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, AC² मतलब ये कर्ण का जो स्क्वायर हो जाएगा AC² हो जाएगा, AC है ये दोस्तों, ठीक है, उसके बाद AB हमारा ये हो गया और BC हमारा ये, तो ये जो है दोस्तों इसमें क्या होगा, एंगल जो है हमारा क्या हो जाता है, B जो होगा 90 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा पैथागोरस प्रमेय आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में, वैसे भी समकोण त्रिभुज का जो डिफिनीशन होता है दोस्तों एक कोण जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, तो हमारा हो जाएगा 5 का डी नंबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों।
पाँच का जो हमारा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, आ जाइए दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों पर्याप्तता का अधिकतम मान कितना होता है, तो मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटीज आप लोगों को पता होना चाहिए, वन होता है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा छः का, हमारा सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छः का जो हमारा हो जाएगा सी नंबर का जो है ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए दोस्तों, बहुत ही आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। इसमें पूछा जा रहा है हमारा बिंदु इतने चार माइनस दो दिया हुआ है, फिर सिक्स और फोर दिया हुआ है, मध्य बिंदु, ठीक है दोस्तों। मध्य बिंदु जब ये पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये फोर और माइनस टू, और ये यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा सिक्स, और ये हमारा फोर। मध्य बिंदु पूछा जाएगा तो क्या करेंगे दोस्तों, एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, इसको जोड़ देंगे और दो से भाग दे देंगे, चार और दो के जोड़ चार और छः को जोड़ दीजिए और दो से भाग दीजिए, तो कितना हो गया छः चार दस, और दो से भाग देंगे तो हमारा पाँच हो गया, आ गया, ठीक है दोस्तों। तो पहला हमारा पाँच हो गया, फिर दूसरा दे माइनस दो और चार को जोड़िए तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा दो आ जाएगा, ठीक है, और दो से भाग दीजिए तो हमारा एक आ जाएगा, तो पाँच और एक आ गया, कहाँ है, मिला लीजिए आप पाँच और एक, तो हमारा बी नंबर हो गया। सात का जो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, पाँच और एक बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अब आ जाइए दोस्तों हमारा आठ का जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या है, साइन 90 माइनस ए, तो इसका मतलब आपको साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों आप लोग, कोस थीटा, तो यहाँ पे देख लीजिए कोस ही हमारा कौन सा हो गया, डी नंबर, आठ का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। और नौ का आ जाइए दोस्तों, नौ का आ जाइए, अब पूछा जा रहा है हमारा वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात होता है, तो परिधि क्या हो जाएगा वृत्त का दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, टू पाई आर हो जाएगा, ठीक है, वृत्त की जो परिधि होती है टू पाई आर, और व्यास क्या हो जाता है हमारा डी, तो डी को क्या लिख सकते हैं, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी बराबर टू आर हो जाता है, तो टू आर ये दिक्कत। अब हमारा देख लीजिए टू आर और ये टू आर हमारा क्या, हमारा वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात, ठीक है दोस्तों, तो वृत्त का हमारा ये है, ठीक है, तो ये वृत्त की परिधि तो टू पाई आर, ठीक है, तो टू पाई आर हो गया, और व्यास, व्यास हमारा डी, ये पूरा डी का, तो डी बराबर क्या होता है दोस्तों, डी बराबर आपको पता होना चाहिए आर, आर बराबर डी वटर टू, तो मतलब डी बराबर टू आर हो गया, ठीक है, मतलब जो व्यास होता है दोस्तों त्रिज्या का दुगुना होता है, तो हमारा परिधि और व्यास में अनुपात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा परिधि और व्यास में, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे टू आर, अब काट दीजिए टू आर, ये टू आर कट गया, तो हमारा क्या हो गया पाए, तो पाए अनुपात एक, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा मिसप्रिंट, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिखा पाए, यहाँ पे होना चाहिए पाई आर वन, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पे पाई छोटा हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पाई अनुपात जो हो जाएगा वन, ठीक है, यहाँ पे हमारा सी, मैंने आपको पहले बताया कुछ कुछ मिसप्रिंट है, तो आप लोग मिसप्रिंट पे मत जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों पाँच विषम संख्या का मत, तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा दस का जो हमारा सी हो जाएगा, चलिए ग्यारह, संगत समीकरण युग्म का डैश हल होता है, तो कितना हल होता है दोस्तों, एक हल होता है, कितना हल होता है, एक हल हो जाएगा, यहाँ पे एक हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए बारह नंबर आ जाइए, अब दोस्तों हमारा कंडीशन दिया हुआ है विवेचक बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, हमारा डी हो जाता है, ये जो है ग्रेटर देन जीरो, जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो दोस्तों हमारा मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान, क्या हो जाएगा मूल क्या हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक और असमान, क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, वास्तविक और असमान, बारह का हमारा वास्तविक और असमान। अब आ जाइए तेरह का अर्धवृत्त की परिधि, तो देखिए दोस्तों वृत्त की जो परिधि होती है क्या होती है टू पाई आर, तो अर्धवृत्त में क्या टू से भाग दे दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा पाई आर, तो कितना हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि हमारा कितना हो जाएगा पाई आर, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई समझने में दिक्कत होनी चाहिए। अब आ जाइए नीचे आ जाइए दोस्तों संचय, अब नीचे आ जाइए चौदह का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए संचय बारे मारता वक्र को डैश भी कहते हैं, तो हमारा क्या कहते हैं दोस्तों तोरण कहते हैं, क्या कहते हैं तोरण कहते हैं, समझ में आ गया चौदह का हमारा तोरण। अब पंद्रह का आ जाइए कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा, तो अब इसको दोस्तों एक को क्या करिए बदल लीजिए साइन में बदल लेते हैं, चलिए कोस को हम साइन में बदल लेते हैं, बदल लेते हैं, बदल लीजिए, कैसे बदलेंगे कोस स्क्वायर से क्या करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री 73 डिग्री। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा आपने क्या पढ़ा है साइन थीटा, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये भी साइन स्क्वायर है तो दोनों कट ना गया, ये और ये हमारा कट गया, मतलब दोनों ही हमारा कट जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, समझ गए दोस्तों कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत, यहाँ पे हमारा जीरो हो गया पंद्रह का। अब आ जाइए दोस्तों हमारा, अब देख सकते हैं दोस्तों क्यू में वृद्धि होने पर, सोलह का हमारा देखिए दोस्तों क्यू में वृद्धि होने पर
होने के साथ साइन थीटा का मान आप लोगों को पता होगा दोस्तों, साइन थीटा। चलिए मैं आप लोग एंगल में जाइए, साइन जीरो का वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, तो हमारा साइन जीरो का वैल्यू जीरो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद साइन थर्टी का वैल्यू हमारा कितना हो जाता है, वन बट्टा टू। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाता है, उसके बाद हमारा वन बट्टा रूट टू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा थ्री बट्टा रूट टू हो जाता है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, इसमें क्या है, वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या है, वैल्यू हमारा बढ़ रहा है। देखिए दो से हमारा दो से हमारा क्या है, छोटा है रूट टू, क्योंकि दोस्तों देखिए रूट टू हमारा छोटा हो जाए, रूट टू का वैल्यू आपका कितना है, 1.414 होता है। तो इस तरह से हमारा क्या है दोस्तों, वैल्यू जो हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वैल्यू हमारा जैसे जा रहे हैं इधर, तो हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा वृद्धि मतलब इंक्रीज कर जाएगा, वृद्धि। समझ गए आप लोग दोस्तों। चलिए अब जी दोस्तों नीचे आ जाइए, जैसे ही थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रहा है। अरे वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा दोस्तों, जीरो पे हमारा जीरो है, फिर 30 डिग्री पे साइन का कितना है, 1/2 है, फिर 60 पे हमारा क्या है, 1/√2 है, ठीक है। इस तरह से हमारा है, तो वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए दोस्तों इससे ये हो गया ये, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि। चलिए आप 17 का आ जाइए, मैंने आपको पूरा अच्छा से समझा दिया, आप 17 का आ जाइए। 17 का जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, रैखिक समीकरण एक अक्ष में मतलब क्या हो जाएगा, समांतर पैरेलल होगा, क्या होगा, पैरेलल, इस तरह से या समांतर लिख सकते हैं, समांतर, ठीक है दोस्तों, समांतर आप लिख लीजिए। अब चलिए 18 का आ जाइए, 18 का दोस्तों हमारा फॉर्मूला पूछा गया है एपी का, मतलब यहाँ पे प्रथम पद, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी और एसएन पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल आसान फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। चलिए एन बट्टा टू हो जाएगा, एस एन का जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एन बट्टा टू हो जाएगा इन टू हमारा क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हो गया, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए नीचे आ जाइए, समझ गए आप लोग। 19 का आ जाइए, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, सभी समबाहु त्रिभुज, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर समरूप हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होते हैं, सम, हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, समरूप। अब चलिए 20 का आ जाइए, 20 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों, रेशनल और इरेशनल, तो मतलब कि दोस्तों क्या हो जाए, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए हमारा हो गया 20 का हो गया अपरिमेय, क्योंकि देखिए दोस्तों ये हमारा जैसे देखिए दो हमारा परिमेय है और ये हमारा दोस्तों क्या है, ये रूट टू हमारा, तो गुना करिए दोस्तों ये अभी हमारा क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। जब हम परिमेय को अपरिमेय के साथ गुणा करेंगे, दोनों संख्या को गुणा करेंगे, तो हमारा अपरिमेय संख्या आएगा, समझिए दोस्तों। तो ये हमारा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया एक एक। अगली वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जिनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप अगर आप लोगों को कहीं समझने में कहीं दिक्कत हो जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का जो है फिर से दोबारा से सोल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो आप अपना जो है अपना बताइए कि हमको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। वैसे आप देख लीजिए क्या क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही यहाँ पे हमारा माध्यक पूछा गया है, फाइंड मीडियन, और ये तो हमारा हर साल रहता है, हर क्वेश्चन में हर साल जो पूछे जाते हैं ये। फिर हमारा ये देख सकते हैं खिलौने वाला हो गया, मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल आसान है। तो यहीं तक है दोस्तों, इंड हो गया हमारा ये, तो इतने हमारे क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आज ये लॉन्ग टर्म बेल आप क्या कर सकते हैं, ये आप अपना जो है प्रैक्टिस कीजिए, अगली वीडियो में आप लोगों को इसका भी जो है सॉल्यूशन करवा दूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जो है समझ में आया होगा पूरा, ठीक है दोस्तों। तो वैसे स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो जो आप मॉडल से भी बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं एग्जाम में 80 से 90 मार्क्स चाहते हैं अपने मैथ सब्जेक्ट में, तो आप जो है आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को सारी जो है आपका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है जान पाए और जुड़ पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।